जय हिंद दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन दी डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दी स्टेज कोच प्रॉब्लम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द बैकवर्ड रिकर्सिव मेथड। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू दी व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक बंदा है, उसको सिटी वन से सिटी टेन तक ट्रैवल करना है, बट रूल इज He has to travel among the in between intermediate cities. Now, यहाँ पे वो arrow के direction से ही travel कर सकता है. This is the condition. Now see, what is the meaning of this value? Now suppose, अगर वो बंदा city 1 से city 2 तक travel करता है, तो उसको 5 hours लगेगा. And then city 2 से city 5 तक जाता है, तो उसको 4 hours लगेगा. एंड सिटी 5 से सिटी 8 तक जाते हैं तो उसको 6 आवर्स लगेगा, एंड सिटी 8 से सिटी 10 तक फाइनली पहुंचता है तो उसको 18 आवर्स लगता है। सो एट दी एंड ही हैज़ टू चूज दी ऑप्टिमम पाथ फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 10 दैट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 10 विल बी मिनिमम। नाउ यहाँ पे हियर आर वेरियस पाथ, जैसे कि अगर वो बंदे ने चूज़ किया कि सिटी 1 से सिटी 2 जाऊँगा, देन अगेन ही विल हैव थ्री ऑप्शंस, सी 2 to 5, 2 to 6, 2 to 7। अगर वो 5 तक जाता है, 2 to 5 का ऑप्शन चूज़ करता है, देन अगेन ही विल हैव टू ऑप्शन, 5 to 8 एंड 5 to 9, एंड अगेन 8 to 10 एंड 9 to 10। सी ये देर आर वेरियस वेज टू रीच एट सिटी 10, but by using the dynamic programming and backward recursive method we have to find out the shortest path that the total time required to travel will be minimum। तो ये problem हम लोग dynamic programming से solve करने हैं। तो let us see how we can solve the problem। Now we are going to solve the problem by using the backward recursive method। So this will be the starting point। Now यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फ्रॉम नोड पॉइंट 8 दैट इज़ सिटी 8 टू सिटी 10 तक जाने के लिए एक स्टेज बाकी है, मतलब सिटी 8 सिटी 10 से एक कदम दूरी पे है। सिमिलरली सिटी 9 सिटी 10 से एक कदम दूरी के ऊपर है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम हियर। तो कैसे लिखना है लेट अस सी। नाउ हियर एन इज इक्वल टू 1। Now what is the meaning of n is equal to 1? मतलब 1 more stage to go, मतलब एक कदम दूरी पे है हम लोग सिटी 10 को पहुंचने के लिए। Now here we have to make one table। Now ये table में content क्या क्या आएगा? First is S। Now S stands for स्टेट वेरिएबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट वेरिएबल? नाउ हियर वी आर वन मोर स्टेज, वी आर इन द पोजिशन एट वन मोर स्टेज टू गो हियर। नाउ आइदर हम लोग 8 पे रहेंगे सिटी 10 पे, और सिटी 9 के ऊपर रहेंगे, तभी हम लोग बोल सकते हैं वन मोर स्टेज टू गो। तो यहाँ पे हम लोग स्टेट वेरिएबल कौन से में रहेंगे? Either सिटी 8 और सिटी 9। सो स्टेट वेरिएबल विल बी आइदर 8 और 9। देन नेक्स्ट वी हैव टू सी द फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल। नाउ फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल इज F1 ऑफ S। नाउ सपोज अगर स्टेट वेरिएबल इज 8, राइट, सपोज 8 इज द स्टेट वेरिएबल। नाउ 8 से 10 तक जाने के लिए हमें 18 आवर्स लगते हैं। सो द फंक्शन ऑफ एस व्हेन द स्टेट वेरिएबल इज 8 इज 18, राइट। नाउ अगर हम लोग सिटी 9 के ऊपर हैं एंड हमें सिटी 10 के ऊपर जाना है, तो हमें 19 आवर्स लगेगा। नाउ हियर इज द वन मोर कंसेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द डिसीजन वेरिएबल। नाउ हियर एक्स विल बी the decision variable
नाउ ये डिसीजन वेरिएबल क्या होगा देखो. नाउ हियर एक्स वन विल बी 10. नाउ हियर डिसीजन वेरिएबल का मतलब क्या है, अगर स्टेट वेरिएबल 8 है तो उसे डिसाइड करना है कि उसको 10 तक जाना है, मतलब सिटी 10 तक जाना है. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सिटी 10 इज द डिसीजन वेरिएबल एज वेल एज एंड वेरिएबल, तो एट दी एंड उसको सिटी 10 तक ही जाना है, तो उसका डिसीजन वेरिएबल भी 10 ही रहेगा, राइट. सो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल इज 8 एंड डिसीजन वेरिएबल इज 10, देन उसको 18 आवर्स लगेगा. इफ़ अगर स्टेट वेरिएबल इज 9 एंड डिसीजन वेरिएबल इज 10, देन उसको 19 आवर्स लगेगा. ये कंसेप्ट शायद आपका नेक्स्ट इटरेशन में बेटर समझ में आ जाए, ठीक है. अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, नो वरीज. नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट दी एफ वन स्टार एस. नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ वन स्टार एस. हियर फ्रॉम सिटी 8 सिटी 10 तक जाने के लिए हमें फंक्शन ऑफ एस 18 लगता है. नाउ यहाँ पे सिटी 8 से सिटी 10 तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट्स वाई ये 18 आवर्स ये मिनिमम लगने वाला है. सो अपने लिए ये बेस्ट पॉसिबल मतलब मिनिमम टाइम इज 18, राइट. दैट्स वाई जो एफ वन एस है वही एफ वन स्टार एस आने वाला है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर 18. अगेन अगर स्टेट वेरिएबल 9 है एंड डिसीजन वेरिएबल इज 10, तो अपने को 19 आवर्स ही लगने वाला है. एंड अगेन एक ही रास्ता है, तो ये 19 आवर्स है ये बेस्ट पॉसिबल टाइम है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 19. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्स वन स्टार. अगेन यहाँ पे एक ही डिसीजन वेरिएबल है, तो यही डिसीजन वेरिएबल विल बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन वेरिएबल. इसका मतलब क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखने वाले. नाउ नेक्स्ट इटरेशन, व्हेन एन इज इक्वल टू 2, और इसका मतलब है टू मोर स्टेजेस टू गो. नाउ यहाँ पे एस विल बी 5, 6 और 7. नाउ यहाँ पे देखो, अगर फिफ्थ पे बंदा है तो उसको 5 to 8 जाना होगा, या फिर 5 to 9 जाना होगा, एंड देन 9 to 10 जाना होगा. मतलब उसको फिफ्थ से 10 तक जाने के लिए ये 1 और ये 2, मतलब 2 स्टेज आगे जाना होगा. दैट्स वाई आई हैव रिटन एन इज इक्वल टू 2. सिमिलरली विथ अगर वो बंदा सिटी 6 पे है तो उसको 6 to 8 जाना होगा, एंड 8 to 10 जाना होगा, और 6 to 9 जाना होगा, एंड 9 to 10 जाना होगा. तो उसको 10 तक पहुंचने के लिए उसको 2 स्टेजेस पार करके जाना है. दैट्स वाई वो बंदा यहाँ कहीं पे तो है. ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी द फंक्शन दैट इज F2 ऑफ S. नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन वेरिएबल. नाउ हियर डिसीजन वेरिएबल का मतलब क्या है, वो बंदा आइदर 5 to 8 जा सकता है, और वो बंदा 5 to 9 जा सकता है. सिमिलरली अगर वो 6 के ऊपर है तो 6 to 8 जा सकता है, और वो 6 to 9 जा सकता है. अगर वो 7 के ऊपर है तो आइदर 8 सिटी को जा सकता है और 9 सिटी को जा सकता है. सो हियर X2 will be either 8 or X2 will be either 9. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसा. देन फंक्शन ऑफ x when X2 इज इक्वल टू 8. ये कैसे आएगा देखो, बंदा फिफ्थ सिटी के ऊपर है, X2 इज इक्वल टू 8, मतलब उसने डिसीजन लिया है कि वो सिटी 8 के थ्रू जाएगा. नाउ सिटी 5 टू सिटी 8 का डिस्टेंस इज 6 आवर्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6
प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि उसको आगे ट्रैवल करना है 8 to 10। नाउ हियर, अगर वो बंदा 8 के ऊपर पहुँचता है राइट, तो उसको बेस्ट पॉसिबल रूट इज 8 to 10 एंड बेस्ट पॉसिबल टाइम इज 18 आवर्स। वो हम लोग ने प्रीवियस इटरेशन में निकाला है। नाउ हियर वी हैव फाउंड द मिनिमम टाइम व्हेन आइदर वो बंदा सिटी 8 के ऊपर है और सिटी 9 के ऊपर है, अगर वो सिटी 10 जाना चाहता है। नाउ हियर, पहले ही हम लोग ने निकाला है कि 8 टू 10 का मिनिमम डिस्टेंस इज 18, क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 + 18 दैट इज़ इक्वल टू 24। देन सपोज वो बंदा सिटी 6 के ऊपर है और उसको 6 से 8 जाना है एंड देन 8 टू 10 राइट, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज 9, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9। अगेन 8 टू 10 का बेस्ट डिस्टेंस इज 18, वो हम लोग ने यहाँ पे निकाला है, तो दिस विल बी प्लस 18, सो दिस विल बी 27। देन अगर वो बंदा 7 पे है, 7 से 8 जाना चाहता है, 8 से 10 जाना चाहता है, तो 7 से 8 का डिस्टेंस इज 5 एंड यहाँ पे हम लोग ने पहले ही निकाल के रखा है 18, सो दिस विल बी 5 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 23। नाउ सिमिलरली विथ 9, इफ हिज डिसीजन वेरिएबल इज 9, मतलब वो 9 सिटी से जाना चाहता है, 9 सिटी के थ्रू जाना चाहता है एंड वो बंदा अगर 5th सिटी के ऊपर है तो इट विल टेक 8 आवर्स टू रीच एट 9 सिटी। सो आई एम राइटिंग हियर 8 प्लस, यहाँ पे हम लोग ने पहले से ही उसका मिनिमम टाइम निकाल के रखा है, अगर वो बंदा सिटी 9 के ऊपर है और उसको सिटी 10 तक जाना है तो उसको 19 आवर्स लगता है, क्योंकि एक ही रास्ता है। सो आई एम एडिंग प्लस 19, सो इट विल बी 27। देन हियर अगर वो बंदा 6 सिटी के ऊपर है एंड उसको सिटी 9 के थ्रू जाना है तो उसको 7 आवर्स, सो आई एम राइटिंग हियर 7। देन प्लस 19 दैट इज़ इक्वल टू 26। देन अगर वो बंदा सिटी 7 के ऊपर है देन उसको 7 आवर्स लगेंगे प्लस 19 आवर्स लगेंगे दैट इज़ इक्वल टू अगेन 26। नाउ वी हैव फाउंड एफ टू ऑफ एस व्हेन एक्स टू इज इक्वल टू 8 और एक्स टू इज इक्वल टू 9। नाउ हमें फाइंड आउट करना है फंक्शन टू स्टार ऑफ एस व्हेन द स्टेट वेरिएबल इज आइदर 5, 6 और 7। मतलब वी हैव टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। नाउ सी, अगर बंदा 5th सिटी के ऊपर है तो उसको 10th सिटी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, 5, 8, 10 एंड 5, 9, 10। नाउ अगर वो सिटी 8 के थ्रू जाता है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं एंड सिटी 9 के थ्रू जाता है तो 27 आवर्स लगते हैं। तो ये इसमें मिनिमम टाइम कौन सा है, 24, सो दैट विल बी द एफ टू स्टार एस, सो आई विल राइट हियर 24। देन हियर अगेन, यहाँ पे अगर वो बंदा सिटी 6 के ऊपर है, स्टेट वेरिएबल इज 6, डिसीजन वेरिएबल इज 8, देन उसको लगता है 27 आवर्स, मतलब वो बंदा सिटी 6 के ऊपर है, उसको सिटी 8 के थ्रू जाना है तो उसको लगते हैं टोटल 27 आवर्स, 6, 8, 10 दैट इज इक्वल टू 27 आवर्स। एंड अगर वो बंदा सिटी 6 के ऊपर है एंड सिटी 9 के थ्रू जाना चाहता है तो उसको लगता है 7 + 19 दैट इज इक्वल टू 26 आवर्स, तो उसके लिए मिनिमम टाइम कहाँ पे, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 26। नाउ हियर 23 एंड 26 दैट इज 23। नाउ यहाँ पे आएगा एक्स टू स्टार। नाउ यहाँ पे एफ टू स्टार एस इज इक्वल टू 24 व्हेन द स्टेट वेरिएबल इज 5। नाउ स्टेट वेरिएबल यहाँ पे 5 है, एफ टू स्टार एस इज 24, लेकिन ये डिसीजन वेरिएबल जब एक्स टू इज इक्वल टू 8 रहता है तो 24 आता है, तो यहाँ पे एक्स टू स्टार विल बी 8। हियर व्हेन द स्टेट वेरिएबल इज 6 एंड F2 star S is equal to 26, but
जब डिसीजन वेरिएबल x2 इज इक्वल टू 9 रहता है तो 26 आता है, देन यहाँ पे x2 स्टार क्या आएगा, 9। हियर 23 आया है, कौन से केस में आया है, x2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8। नाउ इन नेक्स्ट इटरेशन वी हैव टू कैलकुलेट व्हेन n इज इक्वल टू 3, मतलब 3 मोर स्टेजेस टू गो। नाउ यहाँ पे 3 मोर स्टेजेस टू गो मतलब आइदर वो बंदा सिटी 2, सिटी 3 और सिटी 4 के ऊपर है, मतलब कैसे 2 to 5 स्टेज एक है, 5 to 6 अनदर स्टेज एंड 8 to 10 दैट इज अनदर स्टेज, मतलब 1, 2, 3, मतलब n इज इक्वल टू 3, 3 मोर स्टेजेस टू गो। नव यहाँ पे स्टेट वेरिएबल क्या आएगा, s विल बी आइदर 2, 3 और 4, देन फंक्शन ऑफ s दैट इज f3 ऑफ s व्हेन द डिसीजन वेरिएबल इज आइदर 5, 6 और 7, व्हेन इज x इज इक्वल टू x3, ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे x2 था, यहाँ पे x2 था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x3 इज इक्वल टू 5 और x3 इज इक्वल टू 6 और x3 इज इक्वल टू 7। ओके नाउ यहाँ पे सपोज वो बंदा सिटी 2 के ऊपर है, मतलब स्टेट वेरिएबल इज 2 एंड उसका डिसीजन वेरिएबल आइदर इट कैन बी 5, 6 और 7, राइट, तो वो 2 से 5 पे जा सकते हैं, 2 से 6 के ऊपर जा सकते हैं एंड 2 से 7 के ऊपर जा सकते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं केस, अगर वो 2 से 5 की ओर जाता है सो इट विल टेक 4 आवर्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 एंड देन हियर व्हेन द डिसीजन वेरिएबल इज 5 देन द ऑप्टिमम टाइम मतलब मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इज 24, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24 दैट इज इक्वल टू 28। देन अगर वो बंदा सिटी 3 के ऊपर है एंड उसको सिटी 5 के ऊपर जाना है सो इट विल टेक 8 आवर्स, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 प्लस एंड व्हेन द डिसीजन वेरिएबल इज 5 देन द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इज 24, तो यहाँ पे आएगा प्लस 24, तो यहाँ पे आएगा 32। देन अगर वो सिटी 4 के ऊपर है एंड सिटी 5 की ओर जाना चाहता है तो इट विल टेक 4 आवर्स, तो यहाँ पे आएगा अगेन 4, देन डिसीजन वेरिएबल अगर 5 है तो मिनिमम टाइम कितना है 24, तो आएगा 24, सो इट विल बी 28। देन सपोज वो बंदा सिटी 2 के ऊपर है एंड वो सिटी 6 के थ्रू जाना चाहता है, नाउ हियर 2 से 6 तक जाने के लिए टोटल ड्यूरेशन इज 7, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 प्लस अगर वो बंदा सिटी 6 के थ्रू जाना चाहता है तो उसको आगे के लिए मिनिमम टाइम लगेगा 26 आवर्स, तो दिस विल बी 7 + 26 दैट इज इक्वल टू 33। देन हियर अगेन अगर वो बंदा सिटी 3 के ऊपर है देन सिटी 6 के थ्रू जाना चाहता है देन उसको लगता है 10 आवर्स, राइट, दिस 10 प्लस 26 बराबर, सो दिस विल बी प्लस 26 दैट इज इक्वल टू 36। देन अगर वो बंदा सिटी 4 के ऊपर है सिटी 6 के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे 5 आवर्स लगेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 प्लस अगेन 26 दैट इज इक्वल टू 31 आवर्स। देन सपोज वो बंदा सिटी 2 के ऊपर है एंड सिटी 7 के थ्रू जाना चाहता है सो इट विल टेक 8 आवर्स प्लस हियर अगर डिसीजन वेरिएबल अगर 7 है सो इट विल टेक 23 आवर्स, राइट, सो यहाँ पे आएगा प्लस 23, सो दिस विल बी 31। अगेन वो सिटी 3 के ऊपर है एंड सिटी 7 के थ्रू जाना चाहते हैं तो हियर विल बी 5 प्लस इफ द वेरिएबल इज 7 देन द
टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 23 आवर्स, तो यहाँ पे आएगा 23, सो दिस विल बी 28 आवर्स। देन अगर वो बंदा सिटी 4 के ऊपर है एंड सिटी 7 के थ्रू जाना चाहता है, सो यहाँ पे आएगा 7 आवर्स प्लस दिस विल बी 23 आवर्स, सो इट विल बी 23, सो दिस विल बी 30। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द F3 स्टार S। नाउ हियर व्हेन द डिसीजन वेरिएबल इज 5 एंड द स्टेट वेरिएबल इज 2, द टोटल टाइम इज 28। व्हेन द डिसीजन वेरिएबल इज 6, स्टेट वेरिएबल इज 2, टोटल टाइम इज 33। एंड व्हेन द डिसीजन वेरिएबल इज 7 एंड स्टेट वेरिएबल इज 2, देन द टोटल टाइम इज 31। तो ये तीनों में मिनिमम टाइम इज 28, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 28। देन हियर व्हेन द स्टेट वेरिएबल इज 3, डिसीजन वेरिएबल इज 5, देन द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 32। व्हेन द स्टेट वेरिएबल इज 3, डिसीजन वेरिएबल इज 6, देन द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 36। व्हेन द स्टेट वेरिएबल इज 3 एंड द डिसीजन वेरिएबल इज 7, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 28। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32, 36 एंड 28 में से सबसे मिनिमम दैट इज 28। नाउ हियर if the state variable is 4 and the decision variable is 5, total time required is 28, decision variable is 6, state variable is 4, total time required is 31, when the decision variable is 7 and the state variable is 4, the total time required is 30 hours. So ye teenon mein se 28, 31 and 30 mein se minimum time is 28, yahan pe main likhta hu 28। Now here we have to find out x3 star, matlab डिसीजन वेरिएबल कौन सा है व्हेन F3 स्टार S इज आइदर 28, 28 और 28। नाउ हियर व्हेन X3 इज इक्वल टू 5, देन द F3 स्टार इज इक्वल टू 28, तो यहाँ पे आएगा 5। हियर व्हेन द X3 इज इक्वल टू 7, देन द F3 स्टार S इज इक्वल टू 28, तो यहाँ पे आएगा डिसीजन वेरिएबल इज 7। देन हियर व्हेन the decision variable is 5, then F3 S star is equal to 28, तो यहाँ पे आएगा 5। Now last, when N is equal to 4, मतलब 4 more stages to go। Now here जब वो बंदा इनिशियल स्टेज के ऊपर है, मतलब सिटी 1 के ऊपर है, सो इट विल टेक 4 स्टेजेस टू गो एट सिटी 10, मतलब 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8 एंड 8 to 10, तो ये 4 स्टेज हो गया। सो आइदर इट कैन बी 1 to 2, 2 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 10, तो कुछ भी करके उसको 4 स्टेज में ही वो सिटी 10 तक वो पहुंच सकता है। नाउ यहाँ पे अगेन स्टेज वेरिएबल S is 1, then function 4 of S when x4 is equal to 2, x4 is equal to 3, x4 is equal to 4. Now here, when agar wo city 1 se city 2 tak jana chahta hai, matlab वो सिटी 1 पे है एंड द डिसीजन वेरिएबल इज 2, तो उसको 5 आवर्स लगते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 आवर्स, वो सिटी 2 तक पहुँच गया है। नाउ अगर वो सिटी 2 तक पहुँच गया है तो उसको मिनिमम 28 आवर्स लगेगा टू रीच एट सिटी 10, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस 28, दैट इज इक्वल टू 33। देन अगर वो बंदा सिटी 1 के ऊपर है एंड उसको सिटी 3 से सिटी 10 तक जाना है, सो इट विल टेक 5 आवर्स टू रीच एट 33, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। देन अगर वो बंदा सिटी 3 पे है तो उसको सिटी 10 तक जाना है, सो इट विल टेक अगेन 28 आवर्स टू रीच एट सिटी 10, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस 28, दैट इज इक्वल टू 33। देन यहाँ पे अगर वो बंदा सिटी 1 में है, उसको सिटी 4 के थ्रू जाना है, सो इट विल टेक 6 आवर्स,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 hours प्लस व्हेन दी स्टेज वेरिएबल इज़ 1 एंड दी डिसीजन वेरिएबल इज़ 4 तो उसको टाइम लगता है 28 hours. तो दिस विल बी प्लस 28, सो दिस विल बी 34 hours. नाउ हियर F4 स्टार S, सो दिस विल बी 33, राइट, बट X4 स्टार विल बी आइदर 2 एंड 3, बिकॉज व्हेन द डिसीजन वेरिएबल इज 2, द टोटल टाइम इज ऑल्सो 33, एंड द डिसीजन वेरिएबल इज 3, देन ऑल्सो द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 33, राइट. सो ये केस में दो डिसीजन वेरिएबल आएगा, 2 एंड 3. नाउ जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने ये वापस से लिख दिया है एक पेज के ऊपर. नाउ हियर द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम नोड 1 टू नोड 10, मतलब सिटी 1 से सिटी 10 तक जाने के लिए इज 33 hours. दैट इज द कन्फर्म आंसर. सो आई विल राइट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच सिटी 10 फ्रॉम सिटी 1 इज 33 hours. बट यहाँ पे जाने के लिए रास्ता कौन सा है. नाउ हियर द स्टार्टिंग नोड इज 1, राइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ओके. नाउ हियर यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल इज आइदर 2 और आइदर 3, बिकॉज यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल 2 था तो टोटल टाइम भी 33 था, एंड जब डिसीजन वेरिएबल 3 था तो टोटल टाइम भी 33 था. सो आइदर इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3. तो इट यहाँ पे एक से ज़्यादा रास्ते आने वाले, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1-2. तो पहला मैं 2 लिखता हूँ. नाउ हियर जब स्टेट वेरिएबल 2 रहता है तो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल, ऑप्टिमम डिसीजन वेरिएबल क्या रहता है, 5. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, राइट. नाउ जब स्टेट वेरिएबल 5 रहता है तो ऑप्टिमम डिसीजन वेरिएबल क्या रहता है, 8. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8. देन 8 जब स्टेट वेरिएबल रहता है तब ऑप्टिमम डिसीजन वेरिएबल क्या रहता है, 10. तो यहाँ पे रास्ता आएगा 10 और उसका टोटल ड्यूरेशन रहेगा 33 hours. देन नेक्स्ट दूसरा रास्ता है 1 से चालू होता है, अगेन 1- स्टेट वेरिएबल इज 1, देन द ऑप्टिमम डिसीजन वेरिएबल क्या था, 3. पहला हम लोग ने 2 लिया था तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, राइट. देन अगर स्टेट वेरिएबल इज 3 देन द ऑप्टिमम डिसीजन वेरिएबल इज 7, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7. देन इफ द स्टेट वेरिएबल इज 7 देन द ऑप्टिमम डिसीजन वेरिएबल इज 8, तो यहाँ पे आएगा 8. एंड व्हेन द स्टेट वेरिएबल इज 8 द ऑप्टिमम डिसीजन वेरिएबल इज 10. नाउ हियर मैं लिखता हूँ 10, तो उसका भी आंसर आएगा 33 hours. इफ़ यू वॉन्ट टू डबल चेक द आंसर तो आप ये रास्ते को जो हम लोग ने नेटवर्क डायग्राम बनाया है उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो. द टोटल आंसर विल बी 33 hours.